बिहार में जारी शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस अभियान को शराब कारोबारी लगातार ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिड़ैयाटार पुल के नज़दीक मौजूद होटल के कमरे से शराब की खेप बरामद की गई है। जाहिर सी बात है कि अब कंकड़बाग थाने की पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है कि क्या इस होटल से शराब की सप्लाई बाहर किया जाता था या फिर इस होटल में आने वाले लोगों के लिए शराब मुहैया करवाई जाती थी। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कंकड़बाग के प्रभारी ने बताया है कि इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है कि आखिरकार जिस होटल से शराब की खेप बरामद हुई है वो अपने होटल में आने वाले कस्टमर्स के लिए शराब मुहैया करवाया करता था या फिर नहीं। तो वहीं इस मामले में होटल के एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी कैलाश होटल जो चिड़ियाटार पुल के पास है, गुप्त सूचना के आधार छापामारी की गई। वहाँ उसके रूम नंबर 205 में ये तीन बोतल इंपीरियल ब्लू का 750 ml का और अक्सर स्वास्थ्य का वो फ्रूटी पैक पैकेट पकड़ाया है। कोई गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। क्या लगता है सर कि ये होटल में ही मुहैया कराया जा रहा था शराब पार्टी का? ये तो अब अनुसंधान जारी है, इसमें आगे क्या कुछ। कितनी शराब की बोतलें बरामद हुई है? तीन बोतल वो बड़ा वाला है और 8 पैकेट तथा 2-3 पैकेट। ये पीने वाला है या बेचने वाला है? अब ये तो अनुसंधान इस पर चल रहा है। CCTV खंगाल रहे हैं कि क्या मुहैया कराई जाती थी कि बेचा जाता था? CCTV देखा जा रहा है। ये जो पकड़ा गया है होटल मालिक है या फिर होटल का स्टाफ है? होटल का स्टाफ ही लग रहा है। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।